14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में भी मुकाबले खेले गए थे, लेकिन कुछ मुकाबले बारिश की वजह से पूरे नहीं हो पाए थे, तो एक मैच में इंडिया को जीत मिली थी। अब वर्ल्ड कप का एक दबाव अलग होता है, क्या कुछ इंडिया के लिए मुश्किलें रह सकती हैं, किस तरह से पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें सामने आएंगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। पंकज, किस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान? देखिए, भारत और पाकिस्तान का, आई थिंक पाकिस्तान काफ़ी लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान में खेलने आई है और बड़ा मैच होगा, इसमें कोई मतलब कहने की बात नहीं है। जिस तरह का मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, सबसे वन ऑफ द, यही नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा होगा, बट डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट मैच होने वाला है। डेफिनेटली सभी लोग काफ़ी आई थिंक वेट कर रहे हैं इस मैच का, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारत ने शुरुआत की इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उसके बाद बीते दिन जो अफगानिस्तान है उसको भी टीम ने हराया, काफ़ी अच्छी बैटिंग यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी की, केएल राहुल भी फॉर्म में आए हैं, विराट कोहली भी अच्छा कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जो बैटिंग है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तान की वो बॉलिंग है, उसके सामने अगर बैटिंग की इंडिया की बात करें तो उससे किस तरह देखते हैं? देखिए, आज इंडियन टीम की जो बैटिंग लाइनअप है, या इवन जो हम कह सकते हैं इंटायर टीम है, चाहे वो बॉलिंग हो, आज आपके पास में ऐसा नहीं है जैसे हम पीछे था कि चार नंबर कौन खेलेगा। आज ये है कि चार नंबर पे किसको नहीं खिलाया जाए, क्योंकि दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो दे आर कॉम्पीटिंग दैट गुड कि आपके पास, जैसे अभी सपोज सुमन गिल नहीं खेल रहे हैं, दैट ईशान इज देयर एंड ही स्कोर लास्ट मैच, ही बैटेड रियली वेल इन लास्ट मैच, एंड व्हेन सुमन गिल कम बैक यू हैव वन फॉर्म बैट्समैन हैव टू बी सेट आउटसाइड। तो जब टीम में ऐसी स्थिति हो कि आपका अच्छा करने वाला प्लेयर बाहर बैठ रहा और वेटिंग फॉर देयर चांस, उस समय कह सकते हैं टीम बहुत ही अच्छे कह सकते हैं प्रिपरेशन में है, अच्छे कॉम्बिनेशन में है कि आपके पास जो स्ट्रेंथ पे जो बेंच पे बैठ रहे हैं वो इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहे, वो इसलिए बैठ रहे हैं कि जो खेल रहा है शायद वो कॉम्बिनेशन टीम की रिक्वायरमेंट या टीम की नीड के लिए खेल रहा है, बाकी दोनों प्लेयर एक ही जैसे फॉर्म में। तो अभी इंडियन टीम मैं समझता हूँ बेस्ट फॉर्म में और बेस्ट कॉम्बिनेशन में है। बॉलिंग की बात करें तो सिराज है और मोहम्मद शमी भी है और इसके बाद बुमराह तो जबरदस्त बॉलिंग कर ही रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से देखते हैं क्योंकि बैट्समैन उनके पास भी काफ़ी अच्छे? देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी, आई थिंक पाकिस्तान की स्पेशली हम बात करें तो बॉलिंग हमेशा उनका एक्स फैक्टर माना जाता है, पर जब हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो, खासतौर से अभी वर्ल्ड कप में खेलेंगे, जिस तरह अभी तक मैचेस हुए हैं वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलरों को बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प रहती है विकेटों पे, वहाँ पे कहीं ना कहीं सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा बहुत स्पिन जरूर मिलता है बॉलर को, अगर आप देखें तो स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा भी किया है, मोरलेस विकेटें बैटिंग विकेटें होती हैं, तो बैटिंग की जो स्ट्रेंथ इंडिया की, आई थिंक अभी इस वक्त वर्ल्ड में किसी के पास वैसी स्ट्रेंथ नहीं है। आगे के मुकाबले किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के बाद भी? न्यूजीलैंड है, काफ़ी अच्छा कर रही है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने भी धमाकेदार शुरुआत की है, तो किस तरह से इंडिया के लिए किस तरह से रहने वाला ये वर्ल्ड कप? देखिए, डेफिनेटली इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दीज आर द टीम्स जो कंटेंडर हैं, पर मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को हराना डेफिनेटली क्रिकेट है, नॉकआउट में क्या होगा वी कांट से, बट नॉकआउट तक तो इंडियन टीम को मुझे लगता कि आई थिंक सबसे आगे रहने वाली इंडियन टीम। जैसे बल्लेबाज हैं भारतीय बल्लेबाज जिनको अंत तक रहना होगा, रन बनाने होंगे? अभी तो आपके पास बहुत सारे बैट्समैन हैं, एंड डेफिनेटली जो आपके बड़े प्लेयर्स होते हैं जिन पे टीम काफ़ी रिलाय करती है, जो हर तरह की परिस्थितियों में खेल चुके होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं से भी मैच को निकाल सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे आपके दो प्लेयर अभी खेल रहे हैं, रोहित और विराट, दोनों ही अच्छे फॉर्म में हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो सारे फॉर्म में हों, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो रोहित हों, चाहे केएल राहुल हों, चाहे वो सुमन गिल हों, चाहे यू कैन टॉक एनीबडी नेम, चाहे बॉलिंग की बात करें सुमन, सिराज, सामी, सिराज, आपका बुमराह, कुलदीप इज बॉलिंग ट्रिमेंडसली वेल, तो दैट इंडियन टीम इज टोटली राइट नाउ इन देयर बेस्ट फॉर्म, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार हम वर्ल्ड कप शायद जीतेंगे यहाँ पे, और माय बेस्ट विशेस भी है उनके लिए। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान के पास भी रिजवान और बाबर आजम जैसा बैट्समैन है, कितना खतरा हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली क्रिकेट है, क्रिकेट में ये मैटर तो करता ही है कि पर्टिकुलर डे पे कौन कैसा खेलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि टीम की कॉम्बिनेशन क्या है, टीम पास, जैसे हम बात करें कि आज रिजवान या बाबर आजम की बात करते हैं, अगर हम इंडियन टीम में बात करें, जिसमें नाम भी बहुत सारे नाम हैं जो इनफॉर्म हैं, जैसे पिछले मैच में अगर हम देखें बाबर ने रन नहीं किया, फिर भी उनके प्लेयर्स ने आके मैच जिता के दिया और बहुत कन्विंसली मैच जिता के दिया। डेफिनेटली पाकिस्तान अच्छी टीम है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि इंडियन टीम हैव एज और इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है अभी।
बिल्कुल पंकज सिंह हमारे साथ थे, बताया किस तरह से मुकाबला रहने वाला है भारत और पाकिस्तान का, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको अंतिम समय तक रुके रहना होगा। वर्ल्ड कप का जो ये खेल है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लगातार प्रदर्शन करते रहना होगा, उसके बाद ही हमारा एक चांस बनता है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। यहाँ पर सहयोगी देवेंद्र सैनी के साथ आदित्य आत्रे, द नागरी न्यूज़।